बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 है, जो कि इक्वली एप्लीकेबल है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ के लिए और सम टाइम इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स के लिए जो वैकेंसीज आती हैं तो उनके लिए भी ये सिलेबस में शामिल होता है। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.harvardacademy.com। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है और टॉपिक, जैसे कि पहले मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ, द एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997। तो इस पूरे कोर्स में हम कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ेंगे। सेक्शन 1 डील करेगा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ डील करेगा। सेक्शन 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, और सेक्शन 4 सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। इसके अलावा सेक्शन 5 डील करेगा फंक्शन ऑफ द फोर्स। सेक्शन 6 पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स। सेक्शन 7 डील करेगा वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, और सेक्शन 8 पनिशमेंट के हिसाब से जो पनिशमेंट बनती होंगी कोई ऑफेंसेस वगैरह की, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। सेक्शन 9 जो है ग्राउंड्स ऑफ पनिशमेंट, वो कौन सी बेसिस हैं जिसकी वजह से पनिशमेंट हो सकती है और क्या पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 10 डील करेगा अथॉरिटी टू अवॉर्ड पनिशमेंट। सेक्शन 11 टर्म्स ऑफ सर्विस। सेक्शन 12 कंडक्ट एंड डिसिप्लिन क्या रिक्वायर्ड है। सेक्शन 13 मेंबर्स टू सर्व एनीवेयर इन द पाकिस्तान एंड आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकती हैं। और सेक्शन 14 जो है मेंबर्स एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सेक्शन 15 डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सेक्शन 16 इंडेमनिटी, और सेक्शन 17 पावर्स टू मेक रूल्स। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट है, यहाँ से इस पूरे कोर्स में आपने क्या करना है कि जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट एरियाज़ हों, जो डिफाइंड हो कि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको नोट कर लेना चाहिए। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट है 1997 का। तो एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट से एक बिल रूट किया जाता है और वोटिंग होती है उस पर और वो पास किया जाता है। तो अगर वो पार्लियामेंट के थ्रू रूट ना हो और कोई कानून सदर के हुक्म से बने, ऑर्डर से बने, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये एक एक्ट है, यानी कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। एक्ट नंबर 3 है ये ऑफ 1997, यानी कि हर साल जितने भी कोई कानून पास किए जाते हैं पार्लियामेंट से, वो हर एक एक्ट को एक नंबर सीरीज़ में अलॉट किया जाता है। रूल्स ऑफ बिजनेस में वो डिफाइंड होता है तरीक़ेकार, तो उसको वो नंबर दिया जाता है। तो ये एक्ट नंबर 3 ऑफ दी 1997 है, यानी कि 1997 में ये तीसरा एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ने पास किया। इसके बाद एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स। तो इस एक्ट का मकसद ये था कि ANF फोर्स बनाई जाए जिस फोर्स को तैनात किया जाए और नारकोटिक्स के साथ जितने भी मामलात हैं उनको हैंडल किया जाए। Whereas it is expedient to provide for the constitution of a force for the purpose of inquiring into, ये मकसद क्या था इसका फोर्स बनाने का, ताकि सवालात किए जा सकें किस से, उन से जिस पर कोई शक हो, या फिर जो नारकोटिक्स के साथ ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, क्योंकि ये मेडिसन में भी यूज़ होती है नारकोटिक्स, और इनकी एक लिमिटेड मकदार जो है वो मेडिसन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने ट्रेडर्स हैं या जो इस मामले में लाइसेंस याफ्ता लोग हैं, उनका इस में बिज़नेस चलता है, उनके साथ ये सवाल जवाब कर सकते हैं, या किसी पे भी इनको शक पड़े जहाँ पे ANF का एरिया है उसमें, जहाँ पे भी उनको शक पड़े जहाँ से स्मगलिंग हो सकती हो, ट्रैफिकिंग हो सकती हो, या किसी भी इंडिविजुअल पे कोई इनको शकुक शुबात हों, या फिर कोई इनके पास इंटेलिजेंस सोर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन आई हो, तो जो मशकूक बंदा उसे इंफॉर्मेशन ले सकता है या उसकी इंक्वायरी कर सकता है।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर, किसी रूट से अगर इन्फॉर्मेशन आए तो उसको प्रॉपरली कि कहाँ से ये चीज़ मूव हुई है, कौन सा इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व था और उसकी ओरिजिन क्या थी, और ओरिजिन के अलावा इसमें कौन कौन से इंटरएक्टिव जो है वो लिंक्स इन्वॉल्व थे, तो उस प्रॉपर जो भी केस इनके नॉलेज में आए उसको इन्वेस्टिगेट करना, जो भी अफेंस इस नारकोटिक्स के साथ अथराइजेशन के अलावा काम करने के ज़ुमरे में जो चीज़ आएगी तो उसको इंक्वायरी भी करना, इन्वेस्टिगेशन भी करना, और स्पेशली जो अफेंसेस फील हों कि ये अफेंस हुआ है यहाँ पे, तो ये किसके साथ डील कर रहे होंगे अफेंसेस, नारकोटिक्स एंड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग। एक तो नारकोटिक्स की जो अथराइज्ड लिमिट से तजावज़ कोई करेगा या फिर उसको गलत रूट से इन करेगा या आउट करेगा, एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, या फिर इस तरह के जितने भी मामलात हैं, कोई लेन देन है नारकोटिक्स के वजह से या नारकोटिक के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको कौन डील करेगा, यही फोर्स जिसको बनाया जाना मकसद था, इट इज़ हेयर बाई एनेक्टेड एज फॉलोज। तो इसकी टर्म एंड कंडीशन सारी की सारी और क्या जो इसकी कानून साजी हुई उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, ये सारी की सारी इसमें कवर की जाएंगी। सबसे पहला सेक्शन जो डील करता है हमेशा जितना भी एक्ट होते हैं या ऑर्डिनेंसेज होते हैं उनमें पहला सेक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइटल के मुतालिक होता है, और आज के बाद आपको टाइटल और इसकी जो लागू होने की डेट है ये याद रखनी चाहिए। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997, यानी कि ANF एक्ट 1997 इसका टाइटल है। तो ये लागू कहाँ पे होता है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान, तो ये सिर्फ और सिर्फ और पूरे पाकिस्तान में ये लागू होता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया या फेडरेशन की पावर्स के साथ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं, बल्कि ये हर जगह पे अप्लाई होगा और इस पे अमल दरामद किया जाएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, जो ही ये पार्लियामेंट से पास हुआ तो ये फौरन इस पे इसके मुताबिक कोई भी जो फोर्स बनाएगी वो एक्शन ले सकता है, कोई भी ऑफिशियल जो ऑथराइज्ड है इसके मुताबिक वो एक्शन ले सकता है और ये लागू हो जाएगा, यानी कि फौरन इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सेक्शन टू डील करता है डेफिनेशंस के मुताबिक, और जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट के मुताबिक होंगी वो हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी जो हमारा एक्ट में कोई और वर्ड या डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी टर्म यूज़ हुई होगी तो किसी और एक्ट में जैसे वो डिफाइंड होगी उसके वही मीनिंग लिए जाएंगे। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, तो कोई चीज़ अगर रिपग्नेंट हो चुकी है यानी कि उसका डेफिनेशन डिफरेंट है या उसको मनसूख किया जा चुका है, तो इसके अलावा जितनी भी हम ये डिफाइन करेंगे यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके मतलब यही लिए जाएंगे। तो इस एक्ट में जहाँ पे भी कोड का मानी होगा या कोड का वर्ड यूज़ किया जाएगा उससे मतलब CCP है, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जिसमें क्राइम्स के मुतालिक सारे के सारे प्रोसीजर्स गिवन है, ये एक्ट 1898 का है और एक्ट नंबर 98 का 5 है, यानी कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। तो इस कोड का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, तो इसका याद आपने नंबर रखना है, कहीं ये आपको क्वेश्चन में या पेपर में 1998 भी दिया जा सकता है, 1798 भी दिया जा सकता है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है कि ये 1898 का है और एक्ट नंबर 5 है ऑफ द 1898। तो डायरेक्टर जनरल जहाँ पे यूज़ होगा, तो डायरेक्टर जनरल का मतलब है कि जो ये फोर्स बनाई जा रही है उसका जो हेड होगा उसको जो डेजिग्नेशन दी गई है वो है डायरेक्टर जनरल के नाम से, तो उसको ही रेफ़र किया जाएगा, बल्कि किसी और डिपार्टमेंट को रेफ़र नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ दी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को रेफ़र किया जाएगा। इसके बाद फोर्स से मुराद वैसे तो आर्मी भी होती है, नेवी एयर फोर्स, इसके अलावा पुलिस की फोर्स, बाकी जो है नेशनल हाईवे की फ़ोर्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स का जब भी नाम आएगा तो आपने ये समझ जाना है कि ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो जो इसका आने वाला सेक्शन 3 होगा उसकी फॉर्मेशन या उसकी जो क्रिएशन है उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि फ़ोर्स का मतलब यहाँ पर हमेशा ANF फोर्स है। नारकोटिक्स क्या चीज़ है, नारकोटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नारकोटिक्स इंक्लूड्स सारी की सारी ड्रग्स आती हैं, इसके अलावा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड कंट्रोल सब्सटेंसेस,
जितने भी कंट्रोल्ड किए गए सब्सटेंसेस, ऐसे मादा जात जिनको अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि उनकी कंट्रोलिंग होती है और प्रॉपर अथोराइजेशन ली जाती है एज डिफाइंड इन द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस 1996। तो ये कंट्रोल के जो तरीक़ेकार हैं सब्सटेंसेस, यानी कि वो मादा जात जिनको नारकोटिक्स के साथ उनका लिंक बनता है, उनका उनमें ये चीज़ पाई जाती है, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनमें नारकोटिक्स हो उनको डील किया जाएगा 1996 के ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और उनकी अथोराइजेशन, उनकी इंपोर्ट, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी इस कानून के मुताबिक अथोराइजेशन के बाद की जाएगी। अच्छा, पुलिस से मुराद क्या है? मींस अ पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुलिस का एक्ट जो है सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट में 1861 के ज़रिए ये फोर्स बनाई गई, जिसको पुलिस का नाम दिया गया है। तो जहाँ पे भी पुलिस का लफ्ज़ यूज़ होगा तो आपने फेडरल कैपिटल की पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस मतलब लेना है। तो प्रिस्क्राइब्ड जो है ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि गिवन या डिस्क्राइब्ड या लिखा हुआ या बयान किया गया। मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई द रूल्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो इस एक्ट जो पास किया गया एक्ट नंबर 3 of 97, जिसको NF एक्ट 1997 का नाम दिया गया, तो इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसमें जो कानून के मुताबिक रूल से प्रिस्क्राइब चीज़ें गिवन है, तो उस जो रूल्स बताए गए हैं तो उन रूल्स को हम कहेंगे कि ये प्रिस्क्राइब इन द NF एक्ट 1997 है। तो रूल्स से क्या मुराद है? अब रूल्स को मैं अगर आपको लॉ और रूल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, अब ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये लॉ है कि आप जो है नारकोटिक्स को डील नहीं कर सकते, या ये लॉ है कि कॉमन मैन जो है उसकी बिजनेस नहीं कर सकता, ये कानून है हमारे मुल्क में, हाँ ये कोई भी डील नहीं कर सकता, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अगर किसी ने डील करना है तो उसके लिए अथराइजेशन लेनी पड़ेगी, फलां फलां डिपार्टमेंट है उससे NOC लेनी पड़ेगी, और उसकी मकदार किस तरीके से है, और उसको अपना रूल ऑफ बिज़नेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको अपना बिज़नेस कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, कहाँ कहाँ पर वो डील करता है, कहाँ पर सप्लाई करता है, उसके लिए उसको प्रॉपर जो है वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, अथराइजेशन लेना पड़ेगी। ये जो ला हमें बता गया कि आपने नारकोटिक्स में डील नहीं करना, लेकिन उसकी जो एक्सेप्शन आई उसके लिए हमें तरीक़ाकार बताया गया, वो तरीक़ाकार क्या है? रूल्स है। अच्छा, रूल से मुराद एक और भी चीज़ मैं आपको कहूँ, आपको ये कह दिया जाए कि आपने लाहौर जाना है और कल जाना है, कल की डेट में ही जाना है, तो आपको ये तो ठीक है, ये ऑर्डर एक मिल गया। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप GT रोड से भी जा सकते हैं, आप बाई एयर भी जा सकते हैं, आप बाई मोटरवे भी जा सकते हैं। तो आपको ये अगर बता दिया जाए कि आपने जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है और आपने थ्रू मोटरवे जाना है, तो ये आपके लिए पहुंचने का एक रूल बना दिया गया, इसको आप वायलेट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो आप उसकी जो कंडीशंस हैं वो मेट नहीं कर रहे। तो कोई चीज़ हमारे पास ब्रॉडर एरिया में ला दिया गया होता है, ला को हमने वायलेट नहीं करना होता, और उसकी वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए या उस पर अमल दरामद करने के लिए हमें जो रास्ते बताए जाते हैं उसको रूल्स कहते हैं। तो रूल्स इस एक्ट में जितने भी बनाए गए हैं और इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए, तो उनको हम रूल्स और प्रिस्क्राइब रूल्स कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।